आज मैं आपको ले चलूंगा प्रयागराज के गलियों में वहाँ के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए। सो गाइस, मैं अभी हूँ प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के गलियों में। यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है उसको ट्राई किया जाए, साथ ही साथ यहाँ पर अच्छा खासा लंच भी मिलता है ये मैंने सुना है। सो ये जो जगह ये है सब्जी मंडी इलाहाबाद की, जो कि प्रयागराज है, एंड इसके आसपास आपको कई सारे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे टेस्ट करने के लिए, एंड उनमें से आज मैं कई सारे स्ट्रीट फूड स्टॉल को ट्राई करूंगा। चलिए एक एक करके सारे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स को ट्राई करते हैं। मैं अभी हूँ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के तुलाराम बाग सब्जी मंडी एरिया में, जहाँ पर बढ़िया से बढ़िया एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना मिल जाता है। वैसे तो सुबह की शुरुआत हमेशा चाय के साथ होती है और यहाँ की चाय अलग है और हटके है, और ठंड के मौसम में कुल्लड़ वाली तंदूरी चाय मिल जाए तो मजा दोगुनी चौगुनी हो जाती है। लेकिन शुरुआत करेंगे प्रयागराज उत्तर प्रदेश ही ब्रेकफास्ट से। मैं हूँ अभी भारत सेवा आश्रम के ठीक सामने, एंड यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा एक ब्रेकफास्ट टूर पर, जहाँ पर कि आपको बढ़िया सा ब्रेकफास्ट मिलता है। सो चलिए ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके लिए मैं पहुँचा तुलाराम बाग चौक के पेट्रोल पंप के ठीक सामने वाला बॉम्बे रिटर्न फास्ट फूड कॉर्नर पर। भाई यहाँ के भीड़ देखने के बाद मुझे ये तो महसूस हो गया कि भाई यहाँ का खाना बहुत ही बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। वैसे तो मेन्यू में गर्मा गर्म समोसे, ब्रेड पकोड़े, जलेबी, नमकीन, छोले राइस, छोले भटूरे, कचौरी सब्जी एंड पूरी सब्जी सब है। सुबह का वक्त है इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का गर्मा गर्म पूरी और तीखी तीखी सब्जी ट्राई किया जाए। भाई मात्र 30 रुपए में यहाँ पर भरपेट पूरी और सब्जी मिल जाती है। पूरी सब्जी के साथ साथ मैंने यहाँ पे और भी कई सारे स्वादिष्ट व्यंजन ट्राई किए और मुझे ये काफी अच्छा लगा। भाई उत्तर प्रदेश का ब्रेकफास्ट तो मन को भा गया। अब बारी है यहाँ के लंच की। ब्रेकफास्ट पॉइंट से थोड़ी ही दूरी पर मुझे एक अच्छा सा बढ़िया सा रेस्टोरेंट देखने को मिला, जो कि था देसी तड़का प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट महात्मा गांधी मार्ग में ही आपको देखने को मिल जाएगा और इसका बोर्ड मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे 120 से लेके 399 तक की थाली अवेलेबल थी। सो गाइस, मैं अभी हूँ भारत सेवा आश्रम के ऑपोजिट साइड, कुछ 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो कि देसी तड़का। यहाँ पर मैं आया हूँ यहाँ का लंच ट्राई करने के लिए, एंड अंदर चलते हैं देखते हैं यहाँ पर कैसा लंच मिल जाता है। सो भारत सेवा आश्रम के आसपास आपको कई सारे वेज रेस्टोरेंट एंड स्ट्रीट फूड स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको प्योर वेज खाना खाना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से ये एक है। भारत सेवा आश्रम से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर आपको ये जगह मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको अच्छा प्योर वेज खाना मिलता है। अभी तक तो हमने ऑर्डर नहीं किया है, खाने के बाद आपको बताऊँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो अभी हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है 149 वाला ये स्पेशल थाली, जिसमें है दाल फ्राई, 2 सब्जी, 4 तवा रोटी, राइस, रायता, अचार एंड पापड़। साथ में मैंने यहाँ पे मटर पनीर की सब्जी 1/2 प्लेट, और यहाँ से मैंने जीरा राइस 1/2 प्लेट ऑर्डर किया हुआ है। तो देखते हैं इन सब का टेस्ट कैसा है। कुछ ही समय बाद गर्मा गर्म फ्रेश खाना हमारे टेबल पर पहुँच चुका था। पहले आई थाली और फिर जीरा राइस और पनीर की सब्जी। वाली थाली में राइस रोटी के साथ कुल 7 आइटम्स थे। जीरा राइस और मटर पनीर की सब्जी काफी मस्त थी, जबरदस्त थी। यहाँ का खाना मुझे काफी मजेदार लगा और एफोर्डेबल। इसी रेस्टोरेंट के बाहर ही आपको 15 रुपए वाली गर्मा गर्म देसी रसगुल्ला खाने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये जो देसी तड़का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अभी मैंने खाना खाया एंड खाना मुझे काफी अच्छा लगा।
यहाँ का जो थाली है वो भी मतलब ठीक ठाक है। लंच के बाद अब बारी थी पान की। एक पान दे दो भैया। यहाँ पर महात्मा गांधी मार्ग में ही आपको मीठा पान मात्र 10 रुपए में खाने को मिल जाएगा और उत्तर प्रदेश में पान का एक अलग ही मजा है। फिर शाम को मैंने ट्राई किया तुलाराम बाग के पास वाले मेसर्स देहाती रसगुल्ले शॉप पर गर्मा गर्म 20 रुपए वाले रसगुल्ले। यहाँ का भीड़ देखते ही ये अंदाजा लग गया था कि भाई ये जगह काफी मशहूर है। तो मेरे पीछे ये जो जगह है यहाँ पर आपको अच्छा गर्मा गर्म रसगुल्ला खाने को मिल जाएगा जो कि एक बेहतरीन सा प्लेस है। यहाँ पर आप स्वादिष्ट रसगुल्ले खाने के साथ साथ यहाँ से पार्सल भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे भाई बहुत ही हेवी क्वांटिटी में गर्मा गर्म रसगुल्ला तैयार किया जाता है और प्यार से लोगों को खिलाया जाता है। शाम के समय पर यहाँ पर आपको कई सारे विनिंग स्ट्रीट फूड खाने को मिल जाएंगे जिसमें सबसे बढ़िया मुझे लगा समोसे कचौरी एंड पकोड़े। यहाँ से थोड़ी दूरी पर सुबेदारगंज है जहाँ की विनिंग स्ट्रीट फूड काफी सही है। अगले एपिसोड में हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए वॉच अवर ओल्ड वीडियोस। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया। जय सियाराम।